सबसे पहले क्या हुआ भाई, प्लांट की एपिडर्मिस और रूट हेयर तो है ही, है ना, अंदर कॉर्टेक्स है। अब सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, तो रूट क्या करती है भाई, रूट फ्लेवोन रिलीज करती है। फ्लेवोन के रिसेप्टर राइजोबियम के पास होते हैं, राइजोबियम की सरफेस पे होते हैं, तो राइजोबियम फ्लेवोन को रिसीव कर करके क्या करते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट करते हैं रूट हेयर की डायरेक्शन में, लेग्यूम की जो रूट हेयर है उसकी डायरेक्शन में, ठीक। जैसे ही ये रूट हेयर के आसपास पहुंच जाते हैं, उसके बाद रूट कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि भाई ये राइजोबियम है, तो राइजोबियम रिलीज करते हैं नोड फैक्टर। नोड फैक्टर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइजोबियम। नोड फैक्टर के लिए रूट हेयर के पास या रूट की एपिडर्मिस के पास क्या है, रिसेप्टर्स हैं। जैसे ही वो रिसीव कर लेती है, रूट जैसे ही रिसीव कर लेती है उन नोड फैक्टर को, यानी कि रूट आइडेंटिफाई कर लेती है कि भाई ये राइजोबियम है, रूट में क्या होगा भाई, रूट हेयर की ग्रोथ हो जाएगी और कर्लिंग हो जाएगी उसकी, मतलब हुक बन जाएगा वहां पर। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद बैक्टीरिया जो है सेल मेम्ब्रेन को पुश करते हुए अंदर तक कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएंगे एक थ्रेड फॉर्मेशन के साथ। उस थ्रेड को हम क्या बोलते हैं भाई, इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड कॉर्टेक्स तक पहुंचने के बाद रिलीज हो जाता है, उसमें से बैक्टीरिया को रिलीज कर दिया जाता है। वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं कॉर्टिकल सेल्स को, ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स को उनने इन्फेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि भाई कॉर्टिकल सेल्स में जाने के बाद बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया रिलीज करेगा एक हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं साइटोकाइनिन या काइनेटिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा भाई, ये हार्मोन प्लांट सेल में ऑक्सिन रिलीज करवाएगा, ऑक्सिन के रिलीज को इंड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से प्लांट सेल जो है डिवाइड करेंगी, ठीक है, डिवाइड करके प्लांट सेल बहुत सारी प्लांट सेल डिवाइड करेंगी, उनके साथ साथ बैक्टीरिया भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इसकी वजह से ये एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाएगा। इस अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से ये ट्यूमर का नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, और इसी नोड्यूल को हम क्या बोलते हैं भाई, ट्यूमर बोलते हैं। समझ में आ गया अच्छे से भाई, कोई दिक्कत है यहां तक?